हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको मेरा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का प्री और मेंस का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। ये रहा मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। ये रहा यहाँ पर मेरा नाम दिनेश और मैं महाराष्ट्र से हूँ, जनरल कैटेगरी। और रीजनिंग में 40 में से मैंने अटेम्प्ट किए थे 40 क्वेश्चंस और मेरा स्कोर रहा है 38.75 मार्क्स। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो मेरा स्कोर बना है 37.75। और ओवरऑल मैंने 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मुझे मिले 76.50। तो महाराष्ट्र की कट ऑफ कुछ 69 गई थी, काफ़ी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी तो गया था। और अभी मेंस का स्कोर कार्ड देखेंगे। तो फिर से आते यहाँ पर ये रहा नाम, स्टेट कैटेगरी, और ये जो टोटल वेटेड स्कोर है आफ्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 66.13। और महाराष्ट्र से कट ऑफ कुछ गए 120 मार्क्स, मीन्स 60 मार्क्स। ओके, तो अभी सेक्शन वाइज मार्क्स देखेंगे। और एक मिनट, रीजनिंग में यहाँ पे 40 में से मेरा है 31.25 मार्क्स। और मेरे अटेम्प्ट था 34 क्वेश्चंस कुछ मैंने अटेम्प्ट किए थे, क्लियर नहीं शो हो रहा, एक मिनट। और कंप्यूटर नॉलेज में मैंने किए थे 35 कुछ तो भी क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए तो कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा हार्ड आया था इस बार, तो कंप्यूटर नॉलेज की मेरा है 26 मार्क्स। आगे देखते हैं, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो मेरा वीक है सब्जेक्ट, तो मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 18.5 मार्क्स मुझे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में मिले। और आगे इंग्लिश में भी मैंने 33 कुछ तो भी अटेम्प्ट किए थे, 32-33, यहाँ पर भी थोड़ा कम हुआ है स्कोर, तो 25.75 है इंग्लिश में। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 32 क्वेश्चन किए थे मैंने तो यहाँ पे ठीक है 28.75 मार्क्स। और ओवरऑल मेरा है 130.25। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाना पड़ता है, जो रीजनिंग और क्वांट के लिए 1.25 है और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 2.5, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए जो मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं वही मार्क्स है। तो कल आने वाली आज आने वाली लेट लिस्ट के लिए और कल आने वाले 1 अप्रैल के रिज़ल्ट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।